क्रिकेट वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के जनपद महाराज के निचलोल क्षेत्र के कपरौली व सिरौली में एसडीएम ने प्राथमिक विद्यालय का लिया जायजा, जहां पर अनेकों समस्याएं देखी गई। आपको बता दें कि शिक्षक की मनमानी से सरकार का तोड़ा कमर, जहां आए दिन शिक्षक बिना प्रार्थना पत्र दिए जब मन करता है घर चले जाते हैं और एक एक महीने से गायब प्रधानाध्यापक बिना किसी सूचना के गायब हो जा रहे हैं। ऐसे में एसडीएम बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ जहां लगातार देखने को मिल रही है, आज निचलोल एसडीएम ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किए। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के सारे बच्चे पढ़े, वहीं कपरौली व सिरौली में शिक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना बच्चों को सही में शिक्षा मिल पा रही है, ना सही भोजन मिल पा रहा है। इस देश में अब शिक्षा का ऐसा माहौल है तो भविष्य कैसा होगा? बच्चों की भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर एसडीएम ने फटकार लगाई। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल से अमन कांदो की रिपोर्ट।